हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आकृति बनी हुई है, उसमें कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं और कुछ हमें पता लगानी है। तो हमें जो कुछ दिया गया है, सबसे पहले तो हम वही लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया हुआ है आकृति के अंदर जो सवाल की रकम है, उसी में से देख कर लिखना है इसे। हमें दिया है इस आकृति में ए बी और सी डी समांतर है। ये यहाँ पे हमें दे दिया गया था ए बी सी डी समांतर है। हमें ई एफ और सी डी जो है वो लंब दिए गए थे, वो भी हमें दोबारा से लिखना है। ई एफ और सी डी लंब हैं। ये जो कोण है जी ई डी, ये 126 डिग्री है। ये कोण भी हमें दे दिया गया है। अब हमें जो निकालना है वो लिखेंगे। हमें इस सब के अंदर सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, पता लगाना है क्या चीज़ है। जो कोण है ए जी ई वो कितना है, दूसरी बात हमें पता लगानी है जी ई एफ वो कितना है, और तीसरी चीज़ हमें पता लगानी है एफ जी ई वो कितना है। ये तीन चीज़ें हमें इसमें पता लगानी है। तो हमें जो आकृति दी गई है, पहले की तरह ही हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी तरह की लाइनें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और उसमें क्या हमें मिल जाता है। अब हमें 126 डिग्री जो दिया है, सबसे पहले हमने वही बना लिया कि 126 कहाँ है। जो भी नाम दिया है उसके पहले अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, बीच वाले पे रुकते हैं और तीसरे अल्फ़ाबेट की तरफ मुड़ जाते हैं। जी से चले, ई पे रुके, डी की तरफ मुड़े, यानी ये इतना कोण हो गया जी से डी तक का। ये लाइन जो है इसके बीच का कोण हो गया। ये पूरा कोण हमें दे रखा है 126 डिग्री। उसके साथ ही हमें लंब दिया है। लंब का मतलब क्या है, इस तरह से जो हमारी आकृति होती है, इस आकृति को हम लंब कहते हैं। जब बिल्कुल एक लाइन सीधी, अब कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये तो रैखिक युग्म भी है। हाँ, ये रैखिक युग्म है। एक सीधी लाइन के ऊपर जब भी कोई दूसरी लाइन होगी, चाहे वो सीधी है चाहे वो टेढ़ी है, वो हमेशा ही रैखिक युग्म बनाती है। तो हम इन दोनों को रैखिक युग्म भी मान सकते हैं। रैखिक युग्म होंगे तो क्या होगा, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। लेकिन इसके लंब होने की वजह से, जो ई एफ है वो सी डी पर लंब है, लंब की वजह से ये 180 दो बराबर हिस्सों में बंटता है, 90 डिग्री लेफ्ट में और 90 डिग्री ही राइट में। जब कभी ऐसा हो कि लंब दिया गया है तो वहाँ पर बराबर बराबर 90-90 डिग्री दिखाई देगा। अगर वैसे ये लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी हो रही होती फिर हम इसको नहीं मान सकते थे। अगर ये लाइन इस तरह से टेढ़ी चलती है फिर हम इसको बराबरी पर नहीं मानते। लेकिन रैखिक युग्म यहाँ भी है, ये दोनों कोण जो है ये भी रैखिक युग्म है, इनका भी जोड़ 180 है, लेकिन वो बराबरी पर नहीं है। हो सकता है एक तरफ 100 डिग्री हो, दूसरी तरफ 80 डिग्री हो, या हो सकता है एक तरफ 30 हो, एक तरफ 150 हो, यानी टोटल तो 180 होगा लेकिन आपस में बराबर होने की कंडीशन नहीं है रैखिक युग्म में, केवल जोड़ की कंडीशन है। जबकि जब वो लंब हो जाता है तो 180 तो जोड़ बनेगा ही दोनों तरफ 90-90 होने पर, तो 90 होना उसकी कंडीशन हो जाती है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने ये देख लिया है जी ई डी इतना है। अब यहाँ से यहाँ तक जो कोण है ये 126 है, ये जो अंदर वाला कोण है ये 90 है। तो ये जो टुकड़ा बचा इस तरफ, जी से शुरू ई पे रुके एफ की तरफ मुड़ गए, यहाँ पर ये जो टुकड़ा बन रहा है ये कितना हो गया, इस पूरे 126 में से ये वाला 90 घटा दिया जाए। तो हमने क्या कहा कि इस आकृति के अंदर जो कोण था जी ई डी वो किस किस का जोड़ था, वो जी ई एफ और उसके साथ ही एफ ई डी, इन दोनों का जोड़ था। ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, इन दोनों का जोड़ था। अब इसमें जी ई डी हमें मालूम था 126 डिग्री, यहाँ से हमें मालूम है 90 डिग्री, और जो जी ई एफ है वो हमने निकाल दिया। तो यहाँ से जी ई एफ आ गया 126 में से 90 घटा करके, दोनों को हमने घटा दिया, तो ये 36 डिग्री जो है हमारे पास आ गया। ये कौन हमें मिल गया 36 डिग्री, जो यहाँ पे ये छोटा टुकड़ा है, 36 ऊपर है 90 नीचे है, और जोड़ इनका कितना है 126 जो है वो इनका दोनों का जोड़ है। ये हमें मालूम चल गया। अब हमें एक कोण तो पता लग गया जी ई एफ, अब हमें बाकी के कोण निकालने हैं। हमें निकालना है ए जी ई, ए जी ई पहले अक्षर से शुरू, दूसरे पे रुके, तीसरे की तरफ मुड़ गए, तो ए से लेके ई तक की लाइन के बीच में ये जो पूरा कोण है ये कोण हमें पता लगाना है।
इसको पता लगाने के लिए हमने क्या कहा, हमने देखा क्या यहाँ कोई आकृति बन रही है। तो हमने जब इस पे गौर किया तो हमारी आकृति कैसी बन रही है, इसके अंदर ऐसे करके जेड की आकृति बन रही है। ये सारा हमारा रफ वर्क है समझने के लिए, इसको पेपर में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जब हमने यहाँ पे देखा तो ये जो हमारे पास बन रही है ये आकृति बन रही है। इसके लिए अब हमने देखा कि कैसे हम निकालें इस आकृति के अंदर। इस आकृति में देखिए फिर से जेड की आकृति है और ये उसके कॉर्नर्स हैं। जैसे हमने पिछले सवाल में किया, जेड की आकृति के कॉर्नर्स होंगे तो इसका नाम क्या होगा, एकांतर अंत्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एकांतर अंत्य कोण हैं और ये भी कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। पर ये मिलेंगे कब, जब लाइन हमें समांतर दे रखी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी तो ही दिखाई देंगे वरना नहीं। अब यहाँ पर हमें समांतर रेखाएं दे रखी थी, इस आकृति में देखिए यहाँ पर हमें ये ए बी और सी डी समांतर रेखाएं दे रखी थी। अगर ये नहीं देते तो हम इन कोण को नहीं ढूंढ सकते थे। हमें ए बी और सी डी यहाँ से दे दिया, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। तो ये वाला जो कोण है और ये जो पूरा 126 डिग्री कोण है ये एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हमने यही लिखा कि ये कोण हमारे पास बराबरी पर चल रहे हैं। किस वजह से बराबरी पर चल रहे हैं, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं। समांतर हैं तो कोण ए जी ई और कोण जी ई डी जो कि 126 डिग्री है ये बराबर हो गया एकांतर अंत्य कोण होने से। ये एकांतर अंत्य कोण है इसलिए बराबर है। अब ये दो कोण तो हमारे हो गए जो हमें पता लगाने थे, तीसरा रह गया एफ जी ई। यहाँ पर ये जो कोण है ये कोण एफ जी ई है। इस आकृति में देखिए यहाँ से F से शुरू G पे रुके और E की तरफ मुड़ गए, तो ये वाला जो कोण है एफ जी ई ये हमें पता लगाना है। अब यहाँ फिर से देखेंगे, एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है और इसको काटती हुई एक तिर्यक रेखा दिखाई दे रही है। ये दोनों कोण मिलकर के कितने हो रहे हैं, ये मिलकर के हो रहे हैं 180। रैखिक युग्म है, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं इस चीज़ को। तो जैसे ही हमें इसके अंदर मिल जाता है कि यहाँ पर एक रैखिक युग्म बन रहा है, कौन कौन से कोण मिला करके, ए जी ई और एफ जी ई दोनों मिला करके 180 डिग्री हैं, क्योंकि ये रैखिक युग्म हैं। रैखिक युग्म होने से ये बराबरी पर चल रहे हैं। अब यहाँ से हमें जो मालूम है वो हम रख देंगे। हमें ए जी ई की वैल्यू मालूम है 126, हमने अभी अभी निकाली है। तो एफ जी ई हमारा कैसे आ जाएगा, एफ जी ई हमारा आ जाएगा इसको माइनस करके। 180 में से 126 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 54 डिग्री जो है ये कोण आ जाता है। तो हमारे पास ये तीनों कोण इस तरीके से आ गए हैं। एक ही सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसको जो भी ज़्यादा आसान लगे वो उसको यूज़ कर सकता है और इस तरह से हमारा जो ये पूरा सवाल है ये हल हो जाता है। इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैसेज करके पूछ सकते हैं।